क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास एम के जी इज लिफ्टेड बाय ए मैन स्लोली टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर इन 30 सेकंड। अनदर मैन लिफ्ट द सेम मास ऑफ द सेम मास टू द सेम हाइट इन 60 सेकंड स्लोली। द वर्क डन बाय देम आर इन द रेशियो ऑफ। हमें एक बॉडी है जिसका मास एम है जो लिफ्ट में जा रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 30 सेकंड में। जो दूसरा अनदर मैन है जो लिफ्ट में है, सेम मास है उसका, वो सेम हाइट इन 60 सेकंड, वो सेम हाइट कितने में ट्रैवल करता है 60 सेकंड में। वर्क डन का रेशियो बताना है, तो इसमें जो वर्क डन का रेशियो होगा दोनों के केस में या W1 W2, वो हमारे पास क्या होगा, 1:1, क्योंकि ये वर्क डन क्या करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। वर्क डन जो होगा इस केस में क्या करेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मैन है जो लिफ्ट में जा रहा है उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है उसकी 1 मीटर, और mg क्या लग रहा है नीचे। वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें टाइम कहां से आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। दिस इज द क्वेश्चन।